अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और NTS PPSC FPPSC टेस्ट मास्टर में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। जी दोस्तों, जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो जॉब डिटेल्स उनकी क्या है, और जो पेपर होंगे वो सुई नारायण गैस के, उनमें किस तरह के, यानी कि वो सिलेबस होगा, क्या पूछा जाएगा। इस तरह आप अगर सिलेबस के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे और आप की उम्मीद है कि आप कामयाबी ज़्यादा। अगर आप बगैर किसी, यानी कि आपको पता ही नहीं सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे और आप तैयारी करते रहें तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी। तो इसलिए मैं आप जो आपको ले गए वो कि कोर्स कंटेंट क्या है जो सुई नारायण गैस में है। जो सबसे पहले जो है वो इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर्स में जो डिसिप्लिन दिए हैं वो मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम एंड गैस, और ये मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स एंड सिविल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग्स एंड मैकाट्रॉनिक्स, जो उनसे दिए हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके 40% जो सवाल होंगे वो पोस्ट रिलेटेड सवाल आएंगे, 20% इंग्लिश के होंगे और एनालिटिकल रीजनिंग भी इसमें शामिल किए उन्होंने। उसमें 20% सवाल उसके होंगे और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मैथ के हैं उसमें इनको यानी कि नॉट अवेलेबल कहा है, और ये जनरल नॉलेज के 10% होंगे और कंपनी बिजनेस के भी 10% होंगे। इसके बाद जो ऑफिसर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेट अफेयर्स एंड मीडिया अफेयर्स सेल्स हैं उसके बारे में उन्होंने, जो उनसे पोस्ट रिलेटेड सवाल तो नहीं होंगे लेकिन 25% उसकी इंग्लिश होगी, एनालिटिकल 25% होंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस 25% सवाल आएंगे और जनरल नॉलेज के 15% होंगे और 10% कंपनी बिजनेस के, यानी कि तमाम पेपर्स, तमाम जो उनसे शोबे उनमें 10% सवाल पूछे जाएंगे। और जो ऑफिसर HR है उसके पोस्ट रिलेटेड 40% होंगे, इंग्लिश 20% और एनालिटिकल 10%, 10% क्वांटिटेटिव एनालिसिस आएंगे। और उसके बाद जो उन्होंने 10% सवाल जनरली के पूछने हैं, 10% कंपनी बिजनेस कंपनी बिजनेस के पूछने हैं, उस तरह ही ऑफिसर लागे हैं। उसके बाद जो अकाउंट्स के हैं उसके भी उन्होंने सवाल की जो रेशियो रखी है वो यही रखी है, 40% पोस्ट रिलेटेड होंगे इसमें, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट्स, कंप्लाइंस, ऑडिट, फाइनेंस, ट्रेजरी, बिलिंग्स जो उनसे होंगे उसमें 20% उन्होंने इंग्लिश के सवाल पूछने हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग के भी उन्होंने सवाल 10% पूछने हैं, 10% सवाल मैथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पूछने हैं, जनरल नॉलेज के 10% पूछने हैं, कंपनी बिजनेस के 10% पूछने हैं। इस तरह ऑफिसर IT और MS IT और एग्जेक्टिव और सेक्रेटरीज के भी उन्होंने सवाल पूछने हैं, और स्किल टेस्ट जो उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने 60% मार्क टेस्ट अगेंस्ट पोजिशन एग्जेक्टिव सेक्रेटरी विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, यानी कि स्किल टेस्ट इनका सब्सिक्वेंटली अरेंज फॉर एप्लीकेंट, यानी कि जिनके भी 60% नंबर आ जाएंगे उनका उन्होंने, यानी कि अगर इंटरव्यू है जो फर्दर उन्होंने करना उसके बारे में वो करेंगे। तो अब मैं आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अब जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि जो इनकी जो पोस्टें अनाउंस की हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन GDA क्या होंगी और उसके बारे में जो उन्होंने अपने यानी कि इस पे दिया उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो लिखी है वो MSc इंजीनियरिंग जो पहले वाले इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वही है इनके लिए, जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था वो यानी कि कोई ख़ास नहीं, 1 साल तक एक्सपीरियंस हो। तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो जॉब होंगी वो आप देख लें, ये ऑपरेशंस होंगे वो इंश्योर करेंगे कि गैस का ज़ाया ना हो और लीकेज को रोकें, डेवलपमेंट करें, ऑपरेशन करें और चेक मॉनिटर कंप्रेसर, जो इंजीनियर काम करते हैं वही होंगे। इंजीनियर्स को ज़्यादा पता है कि क्या क्या काम होते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे वो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ ग्रेड 4 के, उसके लिए भी जो MSc BSc वही सारा कुछ है, और उसमें तजर्बा उन्होंने रिक्वायर किया हुआ 2 साल और 3 साल, और मैक्सिमम एज 30 साल है। इसमें भी वही वर्क कि किस तरह उन्होंने रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज़ करनी है, क्या अरेंज करना है, क्या रिकनसाइल करना है। और उसके बाद उन्होंने स्किल्स किए हैं जो असेंशियल स्किल फॉर रिक्वायरमेंट्स, उसमें उनको कहा है कि प्रोफिशिएंट हो MS ऑफिस यानी कि कंप्यूटर आता हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, अच्छा टीम प्लेयर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, यानी कि किसी भी जगह वो कर सकते हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में।
और जो दूसरा वो है वो पोजीशन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट और कॉरपोरेटिव अफेयर्स एंड मीडिया अफेयर्स के लिए उन्होंने एम फिल MBA BSc स्कूलिंग और उसमें तजर्बा 0 से 2 साल है और MBA लॉ ग्रेजुएट हैं 1 से 3 साल तजर्बा, फिर MSc इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो उन्होंने GDs दी हुई हैं वो उन्होंने कहा कि अपने जो करना है एडमिनिस्ट्रेटिव को सपोर्ट करना है और मंथली और एनुअली जो ट्रेनिंग कैलेंडर फाइनलाइज करने हैं, कोऑर्डिनेट करना है और फाइलिंग करनी है और रिटर्न्स जो इनकम टैक्स की करनी है, SOPs SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो इनकी जो डेली एनुअल जनरल मीटिंग और या एमरजेंसी जनरल मीटिंग की जो उनकी वो करनी है डिस्पैच करना वो करना, यानी कि कंपनी के बारे में उनको जो चाहिए वो डिमांड एंड सप्लाई की प्रोजेक्शन करनी है, ये सारा कुछ करना है। उसके बाद जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में जो MPhil MSc और स्पेशलिस्ट ह्यूमन रिसोर्स में हो या MBA, अगर वो MPhil होंगे तो उनके पास 0 से 2 साल, अगर वो सिर्फ MBA होंगे तो मास्टर्स होंगे तो उनके लिए तजर्बा 1 से 3 साल कर दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्स में जो उन्होंने करना है कि वो असिस्ट करनी है रिक्वायरमेंट प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ की और मेंटेनेंस करनी है और CBA जो है उनके साथ उनके कोई निगोशिएशन वगैरह डील और इस्टेब्लिशमेंट और कंडक्ट ट्रेनिंग किस तरह करानी होगा। उसके लॉ ग्रेजुएट्स होंगे 1 से 3 साल तजर्बा है और इसमें उन्होंने जो पैरा वाइज यानी कि जो भी होते हैं उसकी माली जो कानूनी मामला का हैंडलिंग करनी है पब्लिक डीलिंग करनी है, इसके जो उन्होंने एसेंशियल स्किल्स रिक्वायरमेंट है उसमें प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोफेशनल यूज़ कंप्यूटर और जबानी और जो से कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे होने चाहिए, टीम प्लेयर भी होना चाहिए और ओवरऑल के नॉलेज होना चाहिए ओवरऑल रेगुलेशंस का। और ये भी किसी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब में, खैबर तनख्वाह, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में। और इसके बाद जो आखिरी है जो यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कॉमन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है वो है अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 2 से 4 के लिए, अकाउंटेंट्स कंप्लाइंस ऑडिट फिनांस एंड ट्रेजरी बिलिंग्स। इसमें CA वाले अप्लाई कर सकते हैं, CMA वाले कर सकते हैं, ACMA वाले कर सकते हैं, MCOM MBA फिनांस CMA और इंजीनियरिंग्स वाले भी कर सकते हैं, फॉर बिलिंग्स ओनली के लिए करेंगे ये सिर्फ, बिल में जो टेक्निकल इंजीनियर्स को उन्होंने किया हुआ। इसमें जो वही है अकाउंट्स का काम क्या करना है, रिसीट और पेमेंट्स की मॉनिटरिंग करनी है, प्रोसेस करना है, सैलरीज करनी है, डिफरेंट क्लेम्स ऑफ एम्प्लॉज और कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग यानी किस खर्चे किधर हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, फैसिलिटेट करना है, दूसरी वेरिफिकेशन करनी डॉक्यूमेंट्स की और ऑडिटर्स के लिए और SCP से जो से खतोखाबत करनी है और एनालिसिस करना है कैपिटल वर्क और इंश्योर करना है कि टाइमली यानी कि जो बिल लोगों को गैस की कंज्यूमर तक तो पहुँचाया जा सके और ओगरा की एजेंसी होती हैं क्यूरीज उनको करना है रेवेन्यू के बारे में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एजेंडा और प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद इसके लिए जो उन्होंने स्किल चाहिए उसमें साउंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होने चाहिए, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए और पता होना चाहिए कंपेटिबल फाइनेंशियल एनालिसिस होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में और अच्छे की वो होनी चाहिए महारत कम्युनिकेशन में और अच्छी इफेक्टिव लेटर सपोर्ट्स होनी चाहिए। इसमें आपको ओकरा की नॉलेज भी होना चाहिए और किसी भी जगह अप्लाई कर सकते, IT वालों के लिए IT के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बेसिक चाहिए। और यही कुछ है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, रिकमेंड भी करें, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है NTS में, वो भी आप ज़रूर देखें, इसलिए मेरे चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें।